हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। काफ़ी डिमांड आ रही थी। वैसे तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता जनरली, लेकिन काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जो छोटे क्लास के बच्चे 9th 10th के हैं ना, तो वो बोल रहे थे कि सर हमें जो पॉइंट है, दशमलव का जो गुणा है और दशमलव का जो भाग है वो नहीं आता है, तो क्या प्लीज़ हमें एक सिंपल वीडियो में सिखा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, इनकी भी मदद की जाए और शायद अगर आपको आता है तो भी अच्छी बात है। देख लो, मैं यहाँ पर कुछ नए तरीके से बताऊँगा और सिंपल वे में बताऊंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो बहुत सिंपल होगा। तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और आपको पता है मैं क्लास इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12th तक की स्टडी करवाता हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक ही वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, गुणा और भाग दोनों सिखाऊंगा डेसिमल का, ठीक है, दशमलव का। तो पहले गुणा सीखेंगे, उसके बाद भाग सीखेंगे, बहुत ही सिंपल वे में। गुणा तो आसानी है, बेसिक, उसमें कुछ मैं नया बताऊंगा नहीं, लेकिन भाग में कुछ डिफरेंट करेंगे हम, तो बने रहना। तो सबसे पहले देखो गुणा की बात करते हैं। अब गुणा करने के मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, यहाँ पर पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखते हैं, आपको बड़ा वाला जो 4 डिजिट का नंबर ना ऊपर लिख दो ऐसे, ठीक है। गुणा करना है, गुणा का सिंबल लगाया, फिर क्या है दशमलव के 2-3। देखो कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया है ना, तो यकीन मानो आप सभी चीज़ें आसानी के साथ कर पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो बेसिक पे ही जा रहे हैं हम, 3 चौके 12, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1, ठीक है, हासिल 1 लग गया। 3 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लग गया 1, ठीक है। 3 2 6, 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं है। 3 1 3, ठीक है, 3 का हो गया है तो यहाँ से 1 कट लग जाता है। फिर 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2। जैसे नॉर्मल गुणा होती है वैसे ही गुणा कर रहे हैं, और फिर जोड़ देंगे, 2 का 2 0 और 8 8, 7 6 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और हासिल एक था 8 और ये 1, ठीक है। नॉर्मल गुणा करना है आपको एकदम। अब दशमलव की बात करो, देखो यहाँ से गिनो, यहाँ से कितने स्थान है, 1 2 3 4 5, यहाँ से दशमलव शुरू हुआ और यहाँ पे दशमलव ख़त्म हुआ, उतनी संख्या आपको गिननी है, यहाँ से 2 3 4 5, तो आपको दशमलव 5 स्थान के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5, यहाँ लगेगा दशमलव। दशमलव के स्थान के बाईं तरफ कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.18382, मतलब सिंपल गुणा ही है। गुणा करने के बाद दशमलव का चक्कर है कि भाई दशमलव कहाँ लगेगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये चीज़ हो गई, आप नोट भी कर सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। जैसे कि दूसरा प्रश्न है, यह 1.0007 गुणे में हमारे पास है 2.0, ये चीज़। अब देखिए, अच्छा 1 0 मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया है ना ऊपर, यहाँ पर मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 0 7, इनकी गुणा करनी है। तो 4 संख्याओं का गुणा है, 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 0 0 और 1 1 हो जाएगा, 2 0 0 2 1 2, इसकी ख़त्म। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 आता है, ठीक है, 0 आ गया, इसका भी ख़त्म, नेक्स्ट में ये ख़त्म हो गया। अब 2 से करेंगे, क्योंकि देखो 2 से अभी गुणा किया था तो यही संख्या बार फिर से आएगी, तो मैं लिख देता हूँ, 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। अब तीनों का हो गया तो 3 गुणा लगेगा, 3 कट। अब 2 से करेंगे, फिर 2 है तो फिर से वही संख्या आएंगी, 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा। यहाँ गुणा तो सभी को आता होगा, मेन चीज़ बच्चों को दशमलव में आती है। अब हमें इसको जोड़ना है ना, गुणा करने के बाद जोड़ दें, 1 4 4 2 6 और 1 7 1,
दो गुणा कर लिया। अब चक्कर आ रहा है दशमलव का, कहाँ पे दशमलव कहाँ पर रखे। तो देखो यहाँ से दशमलव शुरू हुआ है और यहाँ पर दशमलव खत्म हुआ है ना। तो तब अब देखिए, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पाँच संख्या, छः संख्या, ठीक है, जहाँ से दशमलव शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है उन संख्याओं को गिनना होता है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः स्थान के बाद दशमलव लगाना है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्थान के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया एकदम सिंपल तरीके से। तो गुणा करना उतना टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा गुणा तो आसानी होता है, आप आराम से कर सकते हैं, गुणे में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि 2.3 को गुणा करना है 4.123 से, इसका गुणा करके कमेंट पे आंसर बताओगे, जो सही आंसर लेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लूँगा और उसके कमेंट को मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करूँगा, ठीक है, इसे आपको खुद करना है। अब आते हैं भाग पे। ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को भाग में आती है, ठीक है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, दशमलव दो को भाग देना है मेरे को 0.124 से, ठीक है, ये हमारा भाग है। अब इस भाग को मैं इस तरीके से समझाने लग जाऊंगा ना तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, बहुत ही टफ लगेगा। तो इससे अच्छा मेरे पास एक तरीका क्या है कि इसको मैं इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से करवाऊँगा। जैसे कि 0.2 मैंने यहाँ लिखा, भाग का मतलब बट्टे 1.24, यही चीज़ है। अब हमें कौन दिक्कत कर रहा है, दशमलव। इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, नोट। कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 23 लिखा हुआ है, अगर बट्टे में 10 होगा तो दशमलव एक स्थान के बाद लगता है, यानी कि 3 के बाद लगता है, 2.3। जैसे वही संख्या है, अगर 100 लिख दूंगा तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 2 स्थान के बाद, 1, 2, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को 23/1000 कर दूंगा, 3 0 हो जाएगा, तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 3 स्थान के बाद। 2 स्थान तो है, तीसरा स्थान नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा 0, फिर लगाऊंगा, ठीक है। अगर 4 0 कर देता तो 4 स्थान के बाद लगता। ये सब आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन है ना। सो देखो, सबसे पहले चीज़ क्या होती है ना, यहाँ गुणा लिख दो, इस दशमलव को हमें हटाना है यहाँ से, यह हटाना है। हटाने के लिए यहाँ दशमलव हटाएं, यहाँ 1 लग गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा देर लग रहा है, एक बार समझ गए ना, चुटकियों में होगा सारे क्वेश्चन, चुटकियों में लिख लो मेरे से। ये दशमलव हटाया, 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ कितनी संख्याएँ हैं, 1, तो यहाँ 1 0 बढ़ेगा। इस दशमलव को हटाओ, हटा दिया, 1 लिखा, कितनी संख्याएँ, 2, तो 2 संख्याएँ में 2 0 बढ़ गया। अब इधर भी 1 0 है, इधर भी 1 0 है, इकाई से 0 कट गया, यहाँ खेल ख़त्म। तो यहाँ बच रहा 2/124 गुणा यहाँ 10, ठीक है। अब आप देखो काट सकते हो, समान संख्या से ऊपर नीचे भाग देते, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 14, सॉरी 2 2 4, फिर आप काट सकते हो, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गई, 31 और 5 आ गई, ऊपर 5 बचा, नीचे 31 बचा, थोड़ा छोटा कर लिया हमने। अब अगर इस संख्याओं को मैं जाते तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब ये सिंपल हो गया है, सिंपल भाग, सिर्फ संख्याओं का भाग आ गया, दशमलव तो है ही नहीं, दशमलव है क्या, नहीं है। और जब आपके पास क्वेश्चन में आ जाए ना ऐसे क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स लोगों ने क्या माना है कि अगर आप दशमलव के 2 स्थानों तक आंसर छोड़ दें तो सही है। अगर आपको आंसर मैच करना है, जो आपको गिवन आंसर दे रखे होंगे, अगर MCQ कर रहे हो तो बात अलग है कि आपको आंसर मैच करना, तो करते रहो जब तक आंसर नहीं आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दशमलव के 2 स्थान तक अगर निकाल देते हो तो सही माना जाता है, ठीक है। तो हमें 31 से भाग देना है 5 में, यही क्वेश्चन बना। इधर 2 अंक होता है, इधर 1 अंक है,
तो नियम क्या कहता है, दो अंक चाहिए, दो अंक जब नहीं है तो यहाँ लगाएंगे हम दशमलव, जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ पड़ जाएगा एक ज़ीरो, ठीक है। एक दशमलव लगा के यहाँ ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ 31 एक कम 31 आ जाएगा, 31 दूनी 62 ज़्यादा हो जाएगा, या तो वही संख्या है या उससे कम है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये नियम हम जानते हैं। तो 31 एक कम 31 यहाँ से बच जाएगा आपका कितना 19 घटाने पर। अब हम एक ज़ीरो अपने से बढ़ा के लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो 31 है, 30 से तो और 30 के आज 30 छंग 3 छंग 18 180 आ रहा है ना, और तो 6 बार तो जाएगा, 6 बार जाएगा, आइडिया लग गया 6 बार जाएगा, 6 से गुणा करो, 6 कम 6 6 थी 18 तो घटाएंगे तो कितना आ गया 4। तो मैं और नहीं कर रहा हूँ, दशमलव के दो स्थान आ गया, तो मेरा आंसर क्या लिख देना, 0.16। अब आगे और कर सकते थे, ठीक है, चाहो तो और कर सकते, एक ज़ीरो बढ़ा लो फिर से, फिर आ जाएगा एक आ जाएगा, 31 एक कम 31 मट घटाओगे तो 9 आएगा, फिर ज़ीरो बढ़ा लो, ऐसे करते रहो, लेकिन दशमलव के दो स्थान तक छोड़ोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 0.16 0.16। ठीक, थोड़ा बहुत गुणा थोड़ा बहुत भाग तो आपको आना ही चाहिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसी में एंड करके लिखा है मैंने, दो को भागा देना है यहाँ पर 1.4 से। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो ये सिंपल है। तो देखो ये जो संख्या है दो और ये जो संख्या एक है, इस पर भाग नहीं जा सकता, ये संख्या या तो इसके बराबर होनी चाहिए तो या इससे थोड़ी सी बड़ी, लेकिन ये तो छोटी है, दो के पहाड़ में एक तो आता ही नहीं है, तो मुझे और एक संख्या लेना पड़ेगा, और एक संख्या लूँगा तो मेरे को चौथा लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं उधर गया, इस तरफ जैसे ही मैं आया दाएं पक्ष में, तो यहाँ पर दशमलव लगा पड़ा है, अगर मेरे को चार लेना है तो यहाँ पर मेरे को दशमलव लिखना पड़ेगा, है 14, लेकिन यहाँ पर अब दशमलव लगा के फिर चार को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 7 14 घटा दिया, तो जब घटाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है, मतलब भाग बोलना पूरा पूरा चला गया, 2 7 14 पूरा पूरा कट के ज़ीरो आ गया, शेषफल 0। अब ये वाली संख्या नीचे आती है, एक उतार सकते हैं, तो 2 3 6 शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया, यानी कि ये मेरा सटीक आंसर है, एग्जैक्ट आंसर 0.73, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम और एक विधि से भी कर सकते थे, देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जैसे कि 2 को भाग देना है मेरे को 1.46 में, नहीं गलत लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि मेरे को भाग देना है 1.46 में 2 से भाग देना है ना, तो ये दशमलव हटेगा, बट्टे में 1 लिखेंगे, कितनी संख्या है 2 2 0, अब इसको काटो, 2 7 14 2 3 6 तो ऊपर आ गया 73, नीचे है 100, दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 2 स्थान के बाद, यानी कि 3 7 के बाद दशमलव लगेगा, तो ऐसे भी 73 है, ऐसे भी 0.73, ऐसे भी 0.73। तो जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, मैंने दूसरा एक क्वेश्चन रखा है, 7 है, 7 से भाग देना है मेरे को इसमें, ठीक है। तो यहाँ दो पहली संख्या लेंगे छोटी पड़ेगी, दूसरा संख्या ले लेंगे बड़ा हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21 घटाएंगे तो पूरा 0, अब ये संख्या यहाँ आ जाएगी, हासिल उतरता है आपको पता है, ठीक है, पूरा पूरा भाग दिया, ये हासिल एक हासिल आप आराम से उतार सकते हो, अगर आपको दूसरा हासिल उतारना है संख्या का छोटी पड़ रही है तो आपको 0 लिखना पड़ता है। देखो एक हासिल उतारा, ये 7 है, 7 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे को ये 3 लेना है, तो 3 दूसरी संख्या मेरे को लिखने के लिए मेरे को यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3, ठीक है। अब कितना, अब 0 लगा के लिखा, अब जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखोगे, लेकिन जितनी बार भाग जाएगा और लिखने से पहले यहाँ पर क्या लगा पड़ा है, दशमलव, ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा दशमलव, ठीक है। तो 7 6 42
छः बार जाएगा, घटाएंगे एक बचेगा, ठीक है। अब इधर कोई संख्या ही नहीं है, और एक ज़ीरो बढ़ा सकते हम खुद से, सात एक कम सात, घटाएंगे तो तीन जाएगा, और भी लिख सकते हो, तीस हो जाएगा, सात चौको अट्ठाईस, दो बचेगा घटाओगे तो, ज़ीरो बढ़ा सकते हो, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला दशमलव के बाद दो स्थानों तक आप लिख सकते हो, तो ये भी हो गया, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखो, इनको आराम से देखना, समझना, प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ उन्हीं को ही प्रैक्टिस करना एक बार बिना देखे, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक्स, अगर आपको ये बेसिक वीडियो समझ में आ गया ना, तो इसके बाद में थोड़ा टफ टफ और हार लाऊंगा, थोड़ा हार्ड हार्ड, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स, वो आपको समझ में आ जाएंगे। पहले बेसिक तो समझो, क्योंकि अगर मैं पहले ही टफ वाले समझाने लग गया बड़े बड़े, तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो पहले मैं आसान आसान समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ही दशमलव दोनों में दिखे ना, तो ऐसे लिख लो बट्टे करके, इससे आसान होगा। आप दशमलव हटा दो, यहाँ से दशमलव हटाओ, एक लिखोगे, कितनी संख्या है, दो, दो जीरो बढ़ गई। यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे से हटेगा तो ऊपर, देखो नीचे से हटेगा तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर से हटेगा तो नीचे लिखेंगे। यहाँ दशमलव हटा, एक लिखा, कितनी संख्या है, एक दो तीन, एक दो तीन जीरो बढ़ा, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो कटा, ऊपर से बचा 25 गुणा 10, नीचे बचा 1250, इस जीरो से ये जीरो कटा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ये आ गया 1/5, यानी कि 5 का भागा देना है एक में, छोटी संख्या हो गई एक, 5 के पहाड़े में तो एक आता नहीं है, दशमलव में लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 5 × 10 शेष फल जीरो आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.k2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगर कहीं पे भी डाउट हो ना आपके मन में, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आई एम श्योर। ये एक बेसिक वीडियो है, अभी इसका मैं एडवांस भी लाऊंगा और इसके बाद शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो शॉर्ट ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे शॉर्ट ट्रिक धरे के धरे रह जाएंगे, आज आपको याद है कल भूल जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीख गए ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और सारे कॉन्सेप्ट भी याद रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।